सुशांत सिंह राजपूत के केस में सीबीआई का आज नवा दिन है और नवे दिन पूरी तरीके से सीबीआई जो है वो अपनी पूछताछ में लगा हुआ है किससे, रिया चक्रवर्ती से। यानी कि कल आठवां दिन था, आठवें दिन भी रिया चक्रवर्ती से पूरी पूछताछ रही थी। जो 20 बड़े सवाल थे वो मैंने आपसे कल शेयर कर दिए थे और अब भी रिया चक्रवर्ती से किस तरह से पूछताछ की जाएगी वो भी यहाँ पर मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। मगर जिन्होंने अभी तक इस चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं करा जल्दी से कर लीजिए। रिया चक्रवर्ती से लगातार दूसरे दिन पूछताछ जो है वो जारी है, मुंबई पुलिस की सुरक्षा में पहुंची। मतलब मुंबई पुलिस चाहती है कि रिया चक्रवर्ती को पूरी तरीके से सुरक्षा दी जाए, बिल्कुल अच्छे तरीके से कवरिंग किया जाए कि उनके ऊपर आने जाने में किसी भी बात को लेकर के आँच ना आए, कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ऐसे में रिया चक्रवर्ती से जो पूछताछ की जाएगी, एस्कॉर्ट के साथ डीआरडीओ गेस्ट हाउस पहुंच गई हैं रिया चक्रवर्ती। सीबीआई यहीं उनके पूछताछ जो है वो कर रही है। मुंबई पुलिस ने आज बताया कि एक्ट्रेस को गेस्ट हाउस जाते वक्त और वहां से घर लौटते समय हमने पूरी तरीके से सुरक्षा उसको दी है। सूत्रों के मुताबिक अगर माने तो रिया को सिद्धार्थ पिठानी, नीरा सिंह और केशव बचनेर के सामने बैठाकर सवाल जवाब पूछे जा सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा अपडेट है, पूरी आमने सामने इन सभी के बिठाया जाएगा और फिर सवाल जवाब पूछे जाएंगे। ये तीनों डीआरडीओ गेस्ट हाउस जो है वो पहुंच चुके हैं। मुंबई पुलिस के तीन अफसर भी सीबीआई के पास जो है वो जा चुके हैं। उधर ड्रग्स मामले की जांच कर रही नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी भी आज रिया को पूछताछ के लिए समन दे सकती है। मतलब वो एनसीबी भी रिया को जो है वो ड्रग्स के मामले में पूछताछ का समन दे सकती है, तो वहाँ पर भी रिया को पूछताछ के लिए जाना होगा। एनसीबी ने मुंबई में दो ड्रग्स सप्लायर गिरफ्तार किए, एनसीबी ने दो ड्रग सप्लायर जो है वो गिरफ्तार कर लिए हैं। ये एक बहुत बड़ा अपडेट है। ये कार्रवाई किस मामले में हुई है इसका पता अभी नहीं चल सका है। तो फाइनली जैसे रिपोर्ट्स अपडेट्स बाहर आती रहेंगी वैसे ही हम आपसे शेयर करते रहेंगे। रिया चक्रवर्ती का आज दूसरा दिन है और आज भी रिया से सीबीआई की पूछताछ जो है वो जारी है। ऐसे में सिद्धार्थ पठानी, नीरज और इन जो केशव है, इन तीनों को जो है वो साथ में बैठा कर जो सीबीआई है वो सीबीआई की टीम जो है वो रिया से पूछताछ कर सकती है। ऐसे में क्या स्टेटमेंट, क्या जवाब रह पाएंगे रिया चक्रवर्ती के, ये हालांकि आने वाला टाइम आने वाली अपडेट्स बता पाएंगी। तो फिलहाल बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल ट्रेंडिंग वर्ल्ड में। जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं करा जल्दी से कर लीजिए ताकि आने वाली अपडेट्स आपसे मिस ना हो सकें।